मनमुटाव और रणनीतियों से असंतुष्ट नेताओं का आम आदमी पार्टी से पलायन जारी है। बुधवार को पार्टी को एक और करारा झटका तब लगा जब उसकी नेता अंजलि दमानिया ने इस्तीफा दे दिया। अंजलि ने इस्तीफा देते हुए पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति बेहद नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि करते हुए एक ट्वीट किया और साफ कहा है कि सिद्धांतों के चलते पार्टी में आई थी, ना कि खरीद फरोख्त के। दरअसल अंजलि ने पार्टी द्वारा सरकार बनाने के लिए कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरों के सामने आने पर यह कदम उठाया है। वे इससे बेहद नाराज थी। दरअसल अंजलि पार्टी का महाराष्ट्र में बड़ा चेहरा थी, लिहाजा उनके जाने से निश्चित तौर पर ही आपको राज्य में नुकसान होगा। अभी कुछ देर पहले मुझे जब ये पता चला, मैंने जो टीवी पे एक शो पे चल रहा था देखकर टूट चुकी हूँ मैं। मेरे जैसे जितने कार्यकर्ता है वो भी टूट गए, क्योंकि हम इस पार्टी में कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए थे, अपना नाम गाम बनाने नहीं आए थे। जो हजारों कार्यकर्ता जो बोर्ड पकड़ के खड़े रहते थे, दो दो तीन तीन चार चार घंटे हर गली की खाक छान रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी एक आशा थी, एक सपना था कि आम आदमी पार्टी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं है, ये एक इतिहास बनाएगी। तो मैं आज ये सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये जितने लीडर्स हैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, 48 घंटे में ये जितने एलिगेशंस हैं दोनों बाजू पे, इसके तहकीकात हो। मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ एडमिरल रामदास को, वो इसके तहकीकात करे, वरना हम सब, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगी, मैं अपने घर में सुकून से बैठ जाऊंगी। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए नहीं आई थी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।